नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, 2024 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलने वाले हैं। अभी गुरुदेव बृहस्पति का गोचर मेष राशि में जारी है, जो कि 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1 मई की दोपहर 2:29 पर वो राशि परिवर्तन करेंगे और इसका मिथुन राशि वाले जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए ये जानकारी जरूर ही लाभप्रद सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, आपके लिए देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव के मालिक बनते हैं, साथ में आपके दशम भाव के मालिक बनते हैं, यानी दो केंद्रों के मालिक। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव का ये गोचर आपके लिए बहुत ही बड़ा मायने रखता है, क्योंकि देखिए, आपके वैवाहिक जीवन को गुरुदेव प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र को गुरुदेव प्रभावित करते हैं। गुरुदेव 1 मई को आपकी राशि से द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव देखिए खर्चों का होता है, विदेश यात्राओं का होता है और थोड़े बहुत संघर्षों का भी होता है। तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति का जब गोचर प्रारंभ होगा 1 मई को, तो आपके लिए कुछ तो लाभ होंगे, कहीं पर आपको सावधानियां भी रखनी होगी। जैसे कि देखिए, यहाँ पर गुरुदेव आपकी धार्मिक यात्राएं करवाने वाले हैं। आपके घर में कोई ना कोई धार्मिक कृत्य हो सकता है, कोई हवन वगैरह आप करवा सकते हैं, या फिर सामाजिक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। इस पर आपका धन खर्च होगा, धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है गुरुदेव के राशि परिवर्तन के बाद में। यहाँ पर देखिए दर्शकों, गुरुदेव का जब राशि परिवर्तन होगा तो वो 3 मई को अस्त भी होंगे और 3 जून तक अस्त रहेंगे। यानी ये वो समय होगा जिसे गुरु तारा अस्त होना भी कहते हैं, जहाँ पर मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करे जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा, आपके स्वास्थ्य को लेकर 1 महीना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। गुरुदेव का गोचर जब द्वादश भाव में होगा तो देखिए, थोड़ा सा आपके काम का बोझ बढ़ने वाला है। आप नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, काम का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि द्वादश भाव में संघर्ष तो गुरुदेव करवाएंगे, परंतु आपको रिजल्ट भी अच्छे देंगे। आपके सुख सुविधाओं पर भी आपका खर्च होगा, खर्चों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है 2024 में मई के बाद में। यहाँ पर देखिए दर्शकों, गुरुदेव की शुभ दृष्टि देखिए आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, और गुरुदेव की दृष्टियों में अमृत होता है, जैसे कि आप जानते हैं। गुरुदेव की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो ये अगर आपका खुद का घर नहीं है अभी तक, तो आपका घर लेने का सपना पूरा हो जाएगा 2024 में। और दूसरी बात, अगर आप कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, कोई भी लग्जरियस आइटम खरीदना चाहते हैं, तो ये समय काफ़ी शुभ है, आपके लिए अच्छे योग बने हुए हैं। खुद के घर का सपना पूरा हो सकता है, गाड़ी लेने का सपना पूरा हो सकता है, या घर में कोई ना कोई शुभ कार्य जरूर होंगे 2024 में जून के बाद में। तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है, आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, काफ़ी अच्छा वातावरण आप अनुभव करोगे। अगर आपकी माता जी की सेहत का कोई आपको चिंता थी, तो वो उनके सेहत में सुधार होगा, गुरुदेव की शुभ दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो माता जी के साथ संबंधों में भी सुधार होगा, साथ में किसी भी तरह से उनके स्वास्थ्य की संबंधित कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। इसके बाद में आप परिवार के साथ में कोई यात्राएं कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं, तो ऐसे भी शुभ योग बन रहे हैं। इसके बाद दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव को भी हम शिक्षा से देखते हैं, तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो गुरुदेव की शुभ दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर पड़ेगी, षष्ठ भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी। इस कारण देखिए, अगर आपके दुश्मन आप पर हावी हो रहे थे, किसी भी तरह से परेशान कर रहे थे आपको, तो आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलेगा गुरुदेव के प्रभाव से। अब आपके दुश्मन आपसे फालतू के विरोध नहीं रखेंगे, आपको परेशानी नहीं पहुंचाएंगे, गुरुदेव आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा था, तो अब उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है, गुरुदेव का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। इस कारण आपके पक्ष में परिणाम आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। आप बस अपने काम पर फोकस्ड रहिए और जो भी सत्मार्ग हो उस पर चलने का प्रयास करिए। इसके साथ ही साथ किसी भी तरह से आप रोगों से परेशान थे, कर्जों से परेशान थे, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो अब देखिए धनार्जन के स्रोत खुलेंगे और कर्जों से भी आप धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो देखिए
आपके लिए गुरुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो ये स्थिति उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो विदेश जाना चाहते हैं। आपको कामकाज के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है, नौकरी या फिर व्यापार के चलते आपको विदेश जाना पड़ सकता है। साथ ही जो लोग विदेश सेटलमेंट करना चाहते हैं उनके लिए समय काफ़ी शुभ आ चुका है। गुरुदेव का ये गोचर आपको विदेश सेटलमेंट करवा सकता है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपको प्रयास करना चाहिए, किसी भी तरह से कोई कागजी कार्यवाही में दिक्कत आ रही थी, पीआर आदि का काम अटका हुआ था, तो अब वो पूरा होगा, विदेश जाने के पूरे योग बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ आपकी जिज्ञासा देखिए गूढ़ विद्याओं में बढ़ेगी, ज्योतिष, हस्तरेखा या फिर अन्य विषयों में जहाँ पर गुप्त चीज़ें होती है, गुप्त जानकारियाँ मिलती है, वैसी चीज़ों में आपका रुझान बढ़ेगा, आपकी दिलचस्पी बढ़ने वाली है। आप तंत्र मंत्र, धर्म, पाठ पूजा आदि में भी आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, आप ऐसे कार्यों में भाग लेंगे। तो स्थितियां काफ़ी अच्छी है दर्शकों, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करवाएंगे गुरुदेव, इस बात का ध्यान रखिएगा, मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। क्योंकि देखिए आप मिथुन राशि वाले मेहनती होते हैं निश्चित तौर पर, परंतु आपका मन बहुत जल्दी भटकता है, आपका चंचल मन होता है, इस कारण अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण रखिए और कामों पर ध्यान दीजिए, केंद्रित रहिए, तभी आपको सफलताएं मिलेगी। इसके साथ ही साथ दर्शकों देखा जाए तो देखिए सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, सप्तमेश होकर द्वादश भाव में आए हैं, तो अपने से देखिए उनका 6-8 का संबंध बन रहा है, इस कारण थोड़ी वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के प्रति लगाव रखिए, उनसे किसी भी तरह का मतभेद होता है तो साथ में बैठकर सॉल्व करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके बीच में थोड़ा तनाव बढ़े। परंतु देखिए गुरुदेव बृहस्पति इतनी ज़्यादा खराब स्थितियाँ उत्पन्न नहीं करते हैं, वो जितना हो सके रिश्तों को बचाने का प्रयास करते हैं, पर अगर आपके पहले से ही रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं, जीवन साथी के साथ मतभेद बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुके हैं, तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि स्थितियाँ और खराब हो सकती है, आपको वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ी स्थितियाँ नाजुक हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, गुरुदेव के मंत्रों का जाप करिए, इससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता जरूर आएगी। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है दर्शकों, गुरुदेव के गोचर के परिणाम स्वरूप गुरुदेव का ये गोचर 1 मई को होगा, और ये देखिए गुरुदेव का गोचर लगभग 13 महीने एक राशि में गुरुदेव रहते हैं, तो ये 13 महीने तक द्वादश भाव में ही आपके गोचर करेंगे। इसमें वो अक्टूबर में वक्री भी होंगे, तो उसका वीडियो हम आगे लाएंगे जब ये गोचर होगा, परंतु यहाँ पर अब आपके लिए स्थितियाँ अच्छी बनेगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, साथ ही साथ कर्जों से मुक्ति मिलेगी, दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि बढ़ेगी, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको विदेश जाने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे शुभ योग बने हुए हैं मिथुन राशि वालों के लिए, आपको प्रयास करने चाहिए, निश्चित तौर पर सफलताएं आपको मिलेगी। तो दर्शकों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमसे किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय श्री कृष्णा।